बाला बच्चन वॉइस ऑफ राइट्स की सीधी चर्चा में उन्होंने कहा कि जॉबर्ट उपचुनाव और प्रदेश के अन्य तीनों सीटों पर हम भारी मतों से जीतेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स तरफ से जॉबर्ट उपचुनाव के लिए मुकेश राठौड़ और आज हमारे बीच प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री बाला बच्चन जी बैठे हुए हैं, उनसे हम कुछ चर्चा करते हैं। इस पॉइंट पे कल शिवराज सिंह जी चौहान साहब की भाभरा में आम सभा के अंदर उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर खुलकर आदिवासियों के लिए शराब बनाई जाएगी और बेची जाएगी उनके द्वारा। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी कहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी की जाना चाहिए। इस पर बाला बच्चन जी का उद्बोधन। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता जिसमें मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और उमा भारती जी, वो खुद ही कन्फ्यूज है। शिवराज सिंह जी खुद ही कन्फ्यूज है कि होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। वो शिवराज सिंह जी को अब कोई समझ पड़ नहीं रही है। जैसे कि कल वो जोबट विधानसभा के उपचुनाव में आकर सभाओं में ये बोलकर गए हैं कि आदिवासी वर्ग के पढ़े लिखे विद्यार्थियों के लिए उनको शराब के काम से लगाने की बात कहकर गए हैं। मैं समझता हूँ कि बेहूदी बात है कि उनको इस तरह की बात बोलना नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को ये रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और ये भर्तियाँ नौकरियों में कर नहीं पा रहे हैं, इस कारण से उनको उनका ध्यान मोड़ने के लिए ऐसा किया है। लेकिन इससे और हमारे आदिवासी वर्ग में भी और उसके बाद इन विद्यार्थियों में भी और आक्रोश बढ़ा है इनके प्रति कि क्या हमने जो डिग्रियाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हमने इसलिए किया है कि हमको बाद में शराब बेचना पड़े। ये बयान इनका गले पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ जाएगा। और जब उपचुनाव में ये इसी बात कर रहे हैं तो 30 तारीख को जो वोट पड़ेंगे और उसके बाद 2 नवंबर को जो गिनती होगी, इस बात का जवाब उनको बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने एक मंच से और बात कही, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ कमलनाथ नकुलनाथ और कांग्रेस पार्टी अनाथ, ये उन्होंने बहुत ही विस्तार से और कही सभा में उन्होंने ये बात कही। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा इस बात पर ये कहना है कि पहले शिवराज सिंह जी और उनकी पार्टी पहले कमलनाथ जी से तो पूरा पाड़ ले, अब देखना। और जिस तरह से मुझे मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया पहले एक सीरीज यहाँ खेलने आया था, क्रिकेट मैच की वनडे और टेस्ट मैच एक सीरीज खेल कर गया था, और यहाँ से जब ऑस्ट्रेलिया जब वापस अपने देश से जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचा तो उनका जो स्पिनर है शेन वार्न ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये बयान दिया था कि मुझे सचिन तेंदुलकर रात में भी सपने में दिखते हैं। तो ऐसा ही शिवराज सिंह जी को कमलनाथ जी रात में सपने में भी दिखते हैं। हमारा शिवराज सिंह जी को कहना है कि अकेले कमलनाथ जी आप पे भारी है, पहले उनसे तो पूरा पार। पोस्ट ग्रेजुएशन हमने इसलिए किया है कि हमको बाद में शराब बेचना पड़े, ये बयान इनका गले पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ जाएगा। और जब उपचुनाव में ये इसी बात कर रहे हैं तो 30 तारीख को जो वोट पड़ेंगे और उसके बाद 2 नवंबर को जो गिनती होगी, इस बात का जवाब उनको बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने एक मंच से और बात कही, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ कमलनाथ नकुलनाथ और कांग्रेस पार्टी अनाथ, ये उन्होंने बहुत ही विस्तार से और कही सभा में उन्होंने ये बात कही। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा इस बात पर ये कहना है कि पहले शिवराज सिंह जी और उनकी पार्टी पहले कमलनाथ जी से तो पूरा पाड़ ले, अब देखना। और जिस तरह से मुझे मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया पहले एक सीरीज यहाँ खेलने आया था, क्रिकेट मैच की वनडे और टेस्ट मैच एक सीरीज खेल कर गया था, और यहाँ से जब ऑस्ट्रेलिया जब वापस अपने देश से जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचा तो उनका जो स्पिनर है शेन वार्न ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये बयान दिया था कि मुझे सचिन तेंदुलकर रात में भी सपने में दिखते हैं। तो ऐसा ही शिवराज सिंह जी को कमलनाथ जी रात में सपने में भी दिखते हैं। हमारा शिवराज सिंह जी को कहना है कि अकेले कमलनाथ जी आप पे भारी है, पहले उनसे तो पूरा पाड़ लो। बाकी हमारी कांग्रेस पार्टी तो मैं समझता हूँ कि 136 साल से भी पुराने एक गौरव इतिहास वाली पार्टी है और लाखों कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। तो अगर कमलनाथ जी वाली बात जो कर रहे हैं शिवराज सिंह जी, तो मैं आपको इसको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनको नींद में भी और सपने में भी कमलनाथ जी उनको सपने में आ भी रहे और उनको डराने भी लगे, उनको डर लगने लगा कमलनाथ जी से, इसलिए वो पहले कमलनाथ जी से तो पूरा पाड़ ले। आने वाला वक्त तो उनको लग रहा है कि ये पूरी तरह से भाजपा ढेर हो जाएगी। जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट के उन्होंने जो सरकार हमारी चुनी सरकार को चुनकर चुनी सरकार को जो घिराई और मुख्यमंत्री जो बने हैं,
और कमलनाथ जी से वो पूरा नहीं पाड़ पा रहे हैं। जब दोनों की तुलना होती कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी की, तो मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान है कि अरे यार इससे तो बेहतर कमलनाथ जी थे, इसलिए आने वाले चुनाव का मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, वो डर इनको सता रहा है। इस कारण से ऐसा बयान जोबट विधानसभा के उपचुनाव में कल शिवराज सिंह जी ने दिया है। वो 30 तारीख वोट पड़ेंगे, 2 नवम्बर को मत पेटियां खुलेगी, मशीनें खुलेगी, तो पता चल जाएगा। इसलिए कमलनाथ जी का बड़ा डर है, बड़ा खौफ है। एक चीज और सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या हो रही है, यूपी में हत्याएं हो रही है और अन्य जगहों पे भी हत्याएं हो रही है, जहां बीजेपी सरकार है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हत्याओं को रोके, दोनों जगह सरकार है, केंद्र में भी सरकार और मध्य प्रदेश और यूपी की जो बात की है तो सरकारें कर क्या रही? अगर वो खुद मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी, तो मध्य प्रदेश में भी अगर कोई से भी किसी रूप में हत्याएं हो रही तो हत्या नहीं होना चाहिए, यूपी में जाके वो जो बात करे जिनका जिनकी। बाकी हमारी कांग्रेस पार्टी तो मैं समझता हूँ कि 136 साल से भी पुराने एक गौरव इतिहास वाली पार्टी है और लाखों कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। तो अगर कमलनाथ जी वाली बात जो कर रहे हैं शिवराज सिंह जी, तो मैं आपको इसको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनको नींद में भी और सपने में भी कमलनाथ जी उनको सपने में आ भी रहे और उनको डराने भी लगे, उनको डर लगने लगा कमलनाथ जी से, इसलिए वो पहले कमलनाथ जी से तो पूरा पाड़ ले। आने वाला वक्त उनको लग रहा है कि ये पूरी तरह से भाजपा ढेर हो जाएगी, जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट के उन्होंने जो सरकार हमारी चुनी हुई सरकार को चुनकर चुनी सरकार को जो घिराई और मुख्यमंत्री जो बने हैं और कमलनाथ जी से वो पूरा नहीं पाड़ पा रहे हैं। जब दोनों की तुलना होती कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी की, तो मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान है कि अरे यार इससे तो बेहतर कमलनाथ जी थे, इसलिए आने वाले चुनाव का मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, वो डर इनको सता रहा है। इस कारण से ऐसा बयान जोबट विधानसभा के उपचुनाव में कल शिवराज सिंह जी ने दिया है। वो 30 तारीख वोट पड़ेंगे, 2 नवम्बर को मत पेटियां खुलेगी, मशीनें खुलेगी, तो पता चल जाएगा। इसलिए कमलनाथ जी का बड़ा डर है, बड़ा खौफ है। सर एक चीज और सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या हो रही है, यूपी में हत्याएं हो रही है और अन्य जगहों पे भी हत्याएं हो रही है, जहां बीजेपी सरकार है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हत्याओं को रोके, दोनों जगह सरकार है, केंद्र में भी सरकार और मध्य प्रदेश और यूपी की जो बात की है तो सरकारें कर क्या रही? अगर वो खुद मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी, तो मध्य प्रदेश में भी अगर कोई से भी किसी रूप में हत्याएं हो रही तो हत्या नहीं होना चाहिए, यूपी में जाके वो जो बात करे जिनका जिनकी पार्टी सरकार में उनके जो मुख्यमंत्री है यूपी में, देश में उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री जी है, तो हत्या नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। ये जवाब तो प्रदेश और देश की जनता शिवराज सिंह जी से और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रही है, ये तो उनको खुद को रोकना चाहिए और हत्याएं किसी की भी नहीं होना चाहिए। देखो लॉ एंड ऑर्डर का सर्वप्रथम तो सरकारों का दायित्व है कि उनकी हिफाजत करे, जनता जनार्दन की हिफाजत करे, उनकी रक्षा करे। ये तो शिवराज सिंह जी बेहूदी बात कर रहे हैं, वो उनके प्रश्न वो खुद ही उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री होकर क्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में की अगर हम बात करें, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए कितने चौंकाने वाले आए हैं, कोरोना काल में हमारी जो बालिकाएं वो लगभग 7,000 से ऊपर मिस हुई है और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। महिलाओं के साथ रेप और गैंग रेप की हम बात करें, वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार की अगर हम बात करें, वो उसमें नंबर वन मध्य प्रदेश होता जा रहा है। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, मेरे हिसाब से वो भूल गए वो मुख्यमंत्री है या विपक्ष में, इस तरह की वो बात खुद कर रहे हैं, खुद फंसते जा रहे हैं खुद के अपने प्रश्नों में। मैं जोबट से मुकेश राठौड़ वॉइस ऑफ राइट्स के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी बच्चन साहब का।